और दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एक छोटी सी बात, डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स, बी अफ्रेड ऑफ नॉट लर्निंग फ्रॉम देम। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, गलतियां हो जाएंगे बोल के हम नए चीजों को अभ्यास या प्रैक्टिस करने के लिए हिचकिचाते हैं, डरते हैं एंड उससे दूर रहना का कोशिश करते हैं। एंड उसके वजह से वो जो नया चीज है वो हम सीख नहीं सकते, वो हम समझ नहीं सकते। बट वी नीड टू चेंज दैट पर्टिकुलर हैबिट। वो जो हैबिट है उस हैबिट को हमें चेंज करना है। कैसे चेंज करना है कि हमें मिस्टेक्स करने से डरना नहीं है, अफ्रेड नहीं करना है। उसकी जगह पे क्या करना है कि अफ्रेड ऑफ नॉट लर्निंग फ्रॉम देम। वो जो मिस्टेक्स या गलतियां हमने किया है उस गलतियां या मिस्टेक्स से लर्निंग करके उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना है आने वाले दिनों में। सो मेकिंग मिस्टेक्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, नॉट लर्निंग फ्रॉम देम, वन एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट क्या हो जाता है कि इम्प्लीमेंटिंग दोज लर्निंग्स इनटू आवर डे टू डे लाइफ, दैट इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हमें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम लोग जनरली मिस्टेक्स करने के बाद कुछ लर्निंग्स ले भी लेते हैं, लेकिन देखा जाता है कि काफी केसेस में जब उसका लर्निंग्स का यानी लेसन्स जो हमने सीखे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तब हम उस लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अगर हम कोई नॉलेज एक्वायर करते हैं, कोई स्पेशलाइज्ड स्किल्स डेवलप करते हैं और उसको अगर हम यूज नहीं करते हैं तो फायदा क्या है। सपोज हमने फ्रेंच लैंग्वेज में महारत हासिल किया है, लेकिन हासिल करने के बाद उस नॉलेज को मैं अगर यूज नहीं करता हूं तो वो जो 2-5 साल का जो लर्निंग्स है उस लर्निंग्स का क्या फायदा। वैसा ही कोई अगर मिस्टेक्स कर लिए हैं उसके बाद वो जो लर्निंग का एक अवेयरनेस आ गया, या मेरे को ये गलत मैंने ये काम किया था बिकॉज ऑफ दैट मेरा गलती हुआ है, तो उस लर्निंग्स को अगर इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो फायदा क्या है। इसीलिए इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि मिस्टेक्स करना, मिस्टेक्स हमें करना चाहिए। हमारा जो 360 डिग्री शिफ्ट हमें माइंड को देना चाहिए, क्या देना चाहिए कि मिस्टेक्स इज नॉट ए प्रॉब्लम। हमें मिस्टेक से डरना नहीं है, हमें मिस्टेक से दूर भागना नहीं है। हमें क्या करना है कि एक तो लेसन्स लर्न करना है, दूसरा वाला उस लेसन्स को आने वाले दिनों में हमारे जो डे टू डे एक्टिविटीज है जब जब उसका इम्प्लीमेंट करने का, इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है या यूज करना है। दीज टू थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट। तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।